अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे बेसिन इन्फ्रेंस का इंट्रोडक्शन। बेसिन इन्फ्रेंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम एक टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो है बेस रूल। अब हमसे पूछा जाता है कि बेस रूल होता क्या है। बेसिकली ये एक ऐसा रैशनल मेथड है जिसमें हम न्यू इन्फॉर्मेशन को लेते हैं और अपने बिलीफ को अपडेट करते हैं, अपनी या अपने बिलीफ के अंदर हम चेंजेस करते हैं। फिर हमारे पास प्रोबिलिटीज़ की एक टर्म इसमें यूज़ होती है। प्रोबिलिटी बेसिकली क्या होता है कि ये हमारे पास सेट ऑफ रैशनल बिलीव को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब आ जाते हैं बेसिन इन्फ्रेंस की। सबसे पहले बेसिन इन्फ्रेंस में कि यहाँ पर प्रोबिलिटीज़ और इन्फॉर्मेशन का रिलेशनशिप होता है। और बेसिन इन्फ्रेंस क्या होता है, बेसिकली ये वो प्रोसीजर है जिसमें हम बेस रूल को यूज़ करते हैं, ठीक है, और फिर हम इन्फ्रेंस करते हैं पैरामीटर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर इसकी वैसे भी डेफिनेशन देख लें, द प्रोसीजर ऑफ इंडक्टिंग लर्निंग थ्रू बेस रूल इज रेफर्ड एज बेसिन इन्फ्रेंस। तो इसमें उन्होंने यही बात किया है कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है, इंडक्टिंग मतलब इंडेक्सिंग करना, जिसमें हम थ्रू बेस रूल को यूज़ करते हैं। तो बेस रूल अगेन क्या है हमारे पास कि न्यू इन्फॉर्मेशन को लेते हुए हम अपनी बिलीव को अपडेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिन इन्फ्रेंस आ जाती है। फिर है कि बेसिन इन्फ्रेंस का जो मेथड है ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, तो ये हमें ये चार चीज़ें प्रोवाइड करता है। सबसे पहले कि ये हमें बताता है कि गुड स्टेटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम अपने पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं। फिर है फ्रगल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जर्व्ड डेटा। तो इसमें फ्रगल डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जो इकोनॉमिकली हमारे पास जो डेटा आ रहा होता है ना, उनको हम ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर प्रिडिक्शन फॉर मिसिंग डेटा एंड फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर डेटा। तो बेसिन मेथड हमें ये भी प्रोवाइड करता है कि अगर हमारे पास कोई मिसिंग वैल्यू है डेटा में तो हम उसको खुद से प्रिडिक्ट कर लेते हैं और फिर हम डेटा की बेस पे फोरकास्ट भी कर लेते हैं। फिर हमारे पास कंप्यूटेशनल फ्रेमवर्क फॉर मॉडल सिलेक्शन एस्टिमेशन एंड वैलिडेशन। तो बेसिन मेथड हमें क्या प्रोवाइड करता है कि वो हमें एक ऐसा कंप्यूटेशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें हम अपने मॉडल को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको एस्टिमेट कर सकते हैं और उसकी वैलिडेशन को चेक कर सकते हैं। जब हम बेसियन का थ्योरम करेंगे, बायस थ्योरम जिसको हम कहते हैं, तो उसमें हमें ये जो है ज़्यादा क्लियर होगा कि उसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या होते हैं। तो अभी देखें कि हमारे पास इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो एक तो हमें सिंपल अगर लेमैन की लैंग्वेज में हम बोलें कि हम जब बात करें कि हमारे पास बेसियन में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि एक तो हमारे पास होता है पीरियड डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हमारे पास होता है सैम्पलिंग मॉडल होता है, और तीसरा पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये तो हम सिंपल बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हमने उसको अपने पेपर में लिखना है या उसको सही तरीके से डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, तो वो हम इस तरह करेंगे कि हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सैम्पल स्पेस है जिसको हमने इस तरह वाई से डिनोट कर दिया। फिर एक हमारे पास है पैरामीटर स्पेस जिसको हमने इस सैम्पल से रिप्रेजेंट कर दिया। जो सैम्पल स्पेस है इसमें वाई की तमाम वैल्यूज मौजूद होंगी, यानी कि डेटा सेट ऑफ वाई का, और जो हमारे पास पैरामीटर स्पेस है इसमें पैरामीटर की तमाम वैल्यू मौजूद होंगी। अब इंग्रेडिएंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम ये कहेंगे कि हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक थीटा एक वैल्यू है जो बिलोंग कर रही है पैरामीटर स्पेस को, ठीक है। यहाँ पर जो पी ऑफ थीटा होगी वो हमारे पास प्योरियड डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है, जो हमारे बिलीव को डिस्क्राइब कर रही है। और यहाँ पर ये जो थीटा है ये हमारे पास ट्रू पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये पहली बात होगी कि यहाँ पर क्या मौजूद होगा, पीरियड डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद होगी। फिर दूसरा इंग्रेडिएंट क्या होता है कि फॉर ऑल थीटा जो है वो पैरामीटर स्पेस से है और वाई जो है वो सैम्पल स्पेस से है, ठीक है। यहाँ पर जब बात करें इस तरह के हमारे पास पी वाई बाय थीटा है जिसमें वाई जो होगा वो हमारा आउटकम होगा अगर थीटा हमें नाउन है, और ये हमारे पास सैम्पलिंग मॉडल है, ठीक है। और तीसरा इंग्रेडिएंट हम इस तरह कहेंगे कि हमारे पास जो थीटा है वो बिलोंग कर रहा है पैरामीटर स्पेस से, और यहाँ पर थीटा बाय वाई की जो प्रोबेबिलिटी है ये हमारे पास पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेगी। और यहाँ थीटा जो है वो तो ट्रू वैल्यू होगी और जो वाई है वो हमारे पास ऑब्जर्व डेटा सेट होगा। और इसको अगर हम लिखना चाहें पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूले को, तो वो हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और एक जो इंफॉर्मेटिव बात है वो ये कि जो बेस मेथड है या बेस रूल जो है वो हमें ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो बिलीफ है वो कैसे अपडेट हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि हमारा बिलीफ एक्चुअल में क्या है।
फिर हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज द गोल ऑफ बेसियन इन्फ्रेंस, बेसियन इन्फ्रेंस का गोल क्या है। तो सिंपल से इसके अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो ये है कि ये हमें थीटा की बेस पे हम डिसीजन ले सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है कि टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन थीटा आर फ्यूचर ऑब्जर्वेशन, के फ्यूचर ऑब्जर्वेशन वैल्यू वाई इससे शो किया गया यूजिंग प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट कंडीशन ऑफ द डेटा वाई। ठीक है, कि हमारे पास एक डेटा होगा उसके ऊपर हम क्या करेंगे कि कुछ प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट कंडीशन यूज करेंगे और फिर हम क्या करेंगे कि थीटा की बेस पे हम डिसीजन ले लेंगे और हमारे पास फ्यूचर ऑब्जर्वेशन वाई भी आ जाएंगे। और यहाँ पर फिर है कि अगर हम थीटा बाय वाई है, यहाँ पर ये जो चीज़ है ये हमारे पास पोस्टीरियर डेंसिटी ऑफ थीटा को शो कर रही है और ये वाली जो टर्म होगी ये हमारे पास पोस्टीरियर प्रिडिक्टिव डेंसिटी ऑफ वाई की शो कर रही है। फिर हमारे पास आ जाता है कि बेसियन इन्फ्रेंस की और क्लासिकल अप्रोच में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली जो बेसियन इन्फ्रेंस होता है इसमें हमारे पास जितने भी अननोन पैरामीटर होते हैं वो और जो फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके वेरिएबल्स रैंडम होते हैं, लेकिन क्लासिकल अप्रोच में जो हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर होते हैं वो हमारे पास फिक्स्ड होते हैं लेकिन जो डेटा होता है वो रैंडम वेरिएबल होता है। और जो पैरामीटर होता है बेसियन इन्फ्रेंस में हम क्या कहते हैं करते हैं पैरामीटर को अपडेट करते हैं, और अपडेट किसकी बेस पे कर रहे होते हैं, डेटा की और प्रियर इन्फॉर्मेशन। प्रियर इन्फॉर्मेशन वो होती है जो हमें पीछे यानी कि पहले से प्रोवाइडेड होती है। और पैरामीटर जब हम क्लासिकल अप्रोच की बात करते हैं तो इसमें हम पैरामीटर को फाइंड करते हैं और किस बेस पे हम फाइंड करते हैं, सैम्पलिंग मॉडल को देखते हुए पैरामीटर को हम फाइंड करते हैं। इसका छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो था। थैंक यू।